सभी साथियों को जय हिंद। अगर आप बीपीएससी TRE 3 के अभ्यर्थी हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हां, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2024 के लिए रिक्त पदों का ब्यौरा जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, कक्षा वाइज कितना वैकेंसी आरक्षित किया गया है। साथ में ये भी देखेंगे कि किस कक्षा के अभ्यर्थी के लिए कितना मूल वेतन तय किया गया है 2024 में। तो अगर आप हमारे चैनल कौशिक GS एकेडमी पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि BPSC से रिलेटेड कोई भी अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वैकेंसी डिटेल। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि कुल जो पद है इस बार वो है 87,774 पद रखा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कक्षा 1 से 5 तक कितना पद आरक्षित किया गया है। तो देख लीजिए यहाँ पे कक्षा 1 से 5 तक में जो आपका कुल पद है वो 28,026 पद आरक्षित किया गया है यहाँ पर, जिसमें सामान्य, उर्दू, बंगला और यहाँ पे टोटल है जो टोटल पुरुषों के लिए सीट आरक्षित है वो है 15,359, महिलाओं के लिए जो टोटल सीट आरक्षित है वो है यहाँ पे 12,667। साथ में आप देख सकते हैं दिव्यांगों के लिए यहाँ पे 511 सीट आरक्षित किया गया है। इसमें पुरुषों के लिए सामान्य में 11,861 है, उर्दू में 3,456 है। आप देख लीजिए साथ में यहाँ पे देख सकते हैं आप कि बांग्ला में 42, यानी टोटल पुरुषों के लिए जो कक्षा 1 से 5 तक है वो 15,359 सीट है और महिलाओं के लिए टोटल कितना है 12,667 सीट आरक्षित किया गया है। ये कक्षा 1 से 5 तक का है, जो टोटल 28,026 पद है। साथ में यहाँ पर देख लीजिए कि जो कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों का मूल वेतन रहने वाला है वो आपका यहाँ पे 25,000 रुपया मूल वेतन आपका रहने वाला है। साथ में इसके अलावा आपको अन्य भत्ते भी मिलेंगे। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कक्षा 6 से 8 तक का, तो देख लीजिए कक्षा 6 से 8 तक के लिए कुल पद आरक्षित किया गया है 19,645। इसमें जो सब्जेक्ट है वो रहने वाला है गणित है, सामाजिक विज्ञान है, हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, उर्दू है और यहाँ पे जो पुरुषों के लिए कुल सीट है यहाँ पे 11,007 और महिलाओं के लिए जो आरक्षित किया गया है वहाँ पर देख सकते हैं आप कि 8,638 है। दिव्यांगों के लिए 332 सीट आरक्षित किया गया है। तो आप यहाँ पर कैटेगरीज वाइज भी देख सकते हैं कि जनरल के लिए कितना है, आर्थिक रूप से EWS के लिए कितना है, OBC के लिए कितना है, SC ST के लिए कितना सीट आरक्षित किया गया, आप पूरे डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं। और इनका जो मूल वेतन रहने वाला है, इनका मूल वेतन 28,000 रुपया आपका होने वाला है। इसके अलावा अलग से भत्ते वगैरह मिलेंगे इनको। नेक्स्ट आप देख लीजिए यहाँ पर कि कक्षा 9 से 10 तक कुल जो सीटें आरक्षित की गई है वो 16,970 सीट है। इसमें काफ़ी सब्जेक्ट है आपका, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे पुरुषों के लिए जो कुल सीट है वो 16,970 है और यहाँ पे आप देख लीजिए कि महिलाओं के लिए जो सीट है वो कितना है 6,030 है। तो महिलाओं के लिए 6,030 है, बाकी दिव्यांगों के लिए यहाँ पे 340 सीट आरक्षित किया गया है। साथ में आप यहाँ पे देख लीजिए कि अलग अलग सब्जेक्ट का यहाँ पे कितना कितना सीट यहाँ पे है, आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो है जनरल के लिए, EWS के लिए, OBC के लिए अलग अलग सीटें आरक्षित की गई है, तो आप इसे रोक कर देख लीजिए। साथ में यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इनका जो मूल वेतन रहने वाला है वो इनका मूल वेतन 31,000 रुपये रहने वाला है, साथ में अलग से भत्ते मिलेंगे। अब अगला जो है आपका वैकेंसी डिटेल यहाँ पर देख लीजिए, जो माध्यमिक विद्यालय है कक्षा 9 से 10 तक के लिए कुल 65 पद है। अब यहाँ पर कक्षा 9 से 10 तक के लिए जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए यहाँ पर देख लीजिए कितनी सीटें हैं, तो 22,373 पुरुषों के लिए और यहाँ पर कितना महिलाओं के लिए 7,442 है और विकलांगों के लिए यहाँ पे कितना है 374 है। और इनका जो मूल वेतन रहने वाला है, इनका कितना रहने वाला है, तो 32,000 रुपये मूल वेतन रहने वाला है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए 11-12 के लिए, कक्षा 11-12 के लिए कुल पद है यहाँ पे 22,373। इसमें जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित सब्जेक्ट शामिल किया गया है, जिसमें कुल पद हैं यहाँ पर
इसमें यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पद आरक्षित किया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि जंतु विज्ञान के लिए 804, उसी तरह वनस्पति विज्ञान के लिए 1375, रसायन विज्ञान के लिए 3424, 1149 है। इस तरह से पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए अलग अलग आरक्षित किया गया, आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के लिए जो अलग से है, कक्षा 1 से 5 तक के लिए यहाँ पर कुल पद यहाँ पर सामान्य और विषय के लिए 210 और 75 रखा गया है। इनका बेसिक 25,000 जो सेम है आपका यहाँ पे 6 से 10 के लिए जो कुल पद रखा गया 126 है। जो स्पेशल आरक्षित क्षेत्र में आते हैं यहाँ पे 11-12 के लिए 359 है, जो स्पेशल कल्याण विभाग के क्षेत्र में आते हैं। तो पूरा डिटेल आप देख लीजिए। साथ में यहाँ पे देख लीजिए कि श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग समूह ग अराजपत्रित यहाँ पे वेतनमान यहाँ पे दिया गया कि 32,000 आपका रहने वाला है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया कि प्राथमिक विद्यालय मूल कोटि विद्यालय के स्नातक कोटि विद्यालय अध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार जिलावार आरक्षण रोस्टर संकेतिक रूप से वेबसाइट पे अपलोड किया गया है। और साथ में आप देख लीजिए यहाँ पर कि रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है जो घट बढ़ सकता है, इसमें ज़्यादा चांस रखिए सीट बढ़ने की ही संभावना है। और यहाँ पे देख लीजिए दिनांक 7/2/2024 को प्रकाशित विज्ञापन की कंडिका 4 चयन प्रक्रिया 3 के भाग 3 में अंतिम रूप से पत्र विशेष विद्यालय अध्यापक 9 और 10 के साथ माध्यमिक विद्यालय अध्यापक वर्ग 9 से 10 एवं समुचित जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग 6 से 10 के लिए भी मान्य होगा। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई। साथ में यहाँ पर बताई गई है कि विलम्ब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान की अंतिम तिथि 25 फरवरी 2024 है। और यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि आपका देख लीजिए यहाँ पे 25/2/2024 ही रखा गया है। ये बहुत बड़ा अपडेट है आप सभी के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।